फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में आ गया है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर एन टू अनदर विद क्वांटम नंबर एन माइनस वन। इफ एन इज वेरी ग्रेटर देन वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज प्रपोर्शनल टू। ओके, दैट्स वॉट वी नीड टू कैलकुलेट। सो जैसे कि हम डालते हैं कि जानते हैं कि डेल्टा ई जो होता है वो एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। सो एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट हो गया हमारा, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया हमारे पास डेल्टा ई बाय एच, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल हो गया आपका, मैं यहाँ कांस्टेंट के लगा देता हूँ, एंड ब्रैकेट में वन माइनस वन बाय एन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी जो आ गई हमारे पास वो आ गया के, यहाँ जो एलसीएम लेंगे वो लेंगे एन स्क्वायर टाइम्स एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। अब एन माइनस वन से एन माइनस वन होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस वन माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई वो आ गई के एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया के एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखिए जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रपोर्शनल किसके है, अगर आप ये टू एन और वन अल्टीमेटली है तो एनी, ठीक है। एंड डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे है एन की पावर फोर एक तरीके से, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो वन बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये। सो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।